अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगी। वेलकम बैक टू AM किचन एंड व्लॉग विद अनदर अमेजिंग व्लॉग। होप सो आप लोग सब खैरियत से होंगे और हमारी व्लॉग का इंतज़ार कर रहे होंगे। एंड तो बस आज हम दावत व्लॉग बना रहे हैं, वो तो टाइटल से ही आप लोग को पता चल गया होगा। तो यहाँ पे ईद की दावत का व्लॉग है, बहुत ही कोई मज़ेदार व्लॉग है ये। कीप वॉचिंग दिस फुल वीडियो। अस्सलामुअलैकुम, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। तो बस हम लोग ने ईद की दावत का व्लॉग शेयर किया और यहाँ पे मैं सारी मतलब पतीले खोल खोल कर दिखा रही हूँ कि किस में क्या बन रहा है और किस में क्या नहीं। मतलब पहले से ही डिशेस दिखा दी मैंने। बहुत हमने माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त खाना बनाया था, डिशेज ज़्यादा बनाई थी। ईद की दावत थी ना, सब लोगों को बुलाया था, खाना बहुत मज़ेदार खाना बना था। और यहाँ पे हमारा छोटू सा मुन्ना, हमारा इब्राहिम, मोहम्मद इब्राहिम, इब्राहिम हमारा नवासा, लेकिन मेरा भांजा है भांजा, और ये छोटू हमारा भांजा, और ये वाला भी है, ये डोडो हमारा। बस यूँ ही मैंने एक छोटा सा व्लॉग बनाया है ये दावत का। इसमें मैंने रेसिपीज़ वगैरह तो शेयर नहीं किए हैं क्योंकि काफ़ी सारी रेसिपीज़ तो ऐसी हैं कि हमने पहले ही ऑलरेडी शेयर की हुई अपने चैनल पर। सिर्फ हमने मैंने कहा थोड़ा सा व्लॉग बनाया जाए इस बार। बस मैंने कहा हाँ मेन्यू दिखाएं और रेसिपी नहीं दिखाई है, हम लोग ने बना डाल चुके हैं हम लोग इससे पहले ऑलरेडी। ये सब कुछ हम लोग ने अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है। अगर किसी को कबाब और बिरयानी और कोफ्ते की रेसिपी देखनी हो तो हमारे चैनल पर जाके आप देख सकते हैं। तो बस यहाँ पे मम्मा मज़ेदार सी बिरयानी बना रही थी और बड़ी मम्मा ने कबाब बनाए हुए थे बहुत मज़ेदार से। तो बस यूँ ही थोड़ी थोड़ी थोड़ा 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 करके बहुत सारी डिशेज माशाल्लाह माशाल्लाह से। एट दी एंड हम लोग ने मैक्रोनी भी बना ली थी कि हम लोग कीमा मैक्रोनी बना लेते हैं, थोड़ा ऐसे भी होना चाहिए। कीमा मैक्रोनी काफ़ी लोग पसंद करते हैं, वेजिटेबल तो खाते ही रहते हैं, बकराईद है तो हमने कहा बकराईद के हिसाब से बनाते हैं। और बच्चों ने फिर भी बहुत शौक से खाई थी मैक्रोनी। हाँ, मैक्रोनी तो वैसे भी बहुत शौक से खाई जाती है, बच्चे बड़े से भी खाते हैं मज़े से। यहाँ पे बस हमारे मेहमान आ गए थे और बहुत अलग वल्ला और बातें वातें हो रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था माशाल्लाह से। जब एक साथ गैदर होते हैं ना, सब एक साथ बैठते हैं ना, तो बहुत ही मज़ा आता है। फिर बहुत सारी बातें भी निकलती हैं, हंसी मजाक भी होता है, फिर बहुत ज़्यादा मतलब हल्ला गुल्ला हो रहा होता है, इंजॉय हो रहा होता है सबका। और ऐसे ही मौक़ों पर मतलब काफ़ी अर्से बाद ऐसी गैदरिंग्स लगती हैं हम लोगों की भी, कि मतलब ईद पर, बकरीद पर। और बस यहीं पे हम लोग यही मैंने थोड़ा थोड़ा सा व्लॉग बनाया, थोड़ी थोड़ी सी क्लिप्स बनाई हैं, ज़्यादा नहीं बनाई क्योंकि हम लोग बड़ा मशरूफ करके दावत और खाने का काम करके थक जाता है, फिर उसमें इंसान थक भी जाता है लेकिन इंजॉय भी बहुत अच्छा भी लगता है। दावत करना, हाँ। खाना ना बनाना बहुत अच्छा लगता है, इस तरह बहुत अच्छा लगता है प्रिपरेशन करने में। और जब सब आते हैं तब माशाल्लाह से। तो यहाँ पर हंजला अपने शॉर्ट्स बना रहा था यूट्यूब के, बड़े ज़बरदस्त इसने शॉर्ट्स बना के डाले हैं। और ये रही मैक्रोनी जो कि हमने कीमा मैक्रोनी बनाई है। चलो तो बस अब हम खाना सर्व करते हैं मेहमानों के लिए क्योंकि सबको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है हमारे। हाँ, काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि लोग जिस दिन दावत होती है उस दिन दोपहर में नहीं खाते कुछ, क्योंकि गरम गरम खाना बना था ना, सबको भूख इतनी तेज़ लग रही कि हमें भूख लग रही है। हमने जलेबी खाना लगाया, खाना बहुत मज़ेदार खाना बनाए, कोफ्ते भी बहुत ही मज़े के बने। कोफ्ते की रेसिपी मम्मा ने अपनी डाली है चैनल पे, जरूर वॉच करिएगा। मगर बहुत मज़े के कोफ्ते बने, बिरयानी सब पूरा खाना बहुत अच्छा बना है माशाल्लाह, सब ने तारीफ़ की है। वैसे भी मम्मा घर में खानदान में हम लोग के खाना बहुत मज़ेदार होता है, खाना सभी अच्छा बनाते हैं। और यहाँ पर माशाल्लाह हम सब इतने पेट पूजा कर रहे हैं, लग रही है सबको, और सब ढूंढ रहे थे कौन कहाँ बैठे, कौन कहाँ बैठे। हमने कहा अपने अपनी प्लेटें बनाओ, डाइनिंग पे खाना सर लगा हुआ है, लेके बैठ गए। हाँ, हमने अपनी अपनी प्लेटें बना कर बैठ गए थे, कोई कहीं पे भी बैठ गया था, ऐसा हो गया था। सारे लोग थे बस खाने वाने के बाद। तो बस यूँ ही हम लोग ने खाने वाना खाने के बाद और ये जल्दी से हम लोग ने घर वगैरह समेटा, उसके बाद हम लोग ने चाय वाय बना कर हम लोग सब अपना अपना बैठ के बातें आती कर रहे थे। बड़े मज़ा आया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया, मतलब यही हाँ यही सब मौके होते हैं जिस पर गैदरिंग्स होती हैं और अच्छा लगता है। अच्छा लगता है
सब तो बस यही था हमारा छोटा सा व्लॉग. अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर करें, और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में. अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में.